क्या आपको पता है जापान में एक ऐसा टेलीफोन बूथ है जहाँ से आप मरे हुए इंसान से बात कर सकते हो, और आप जो सेवन अप कूल ड्रिंक खाते हो उसमें सेवन अप का मतलब क्या है आपको पता है? और क्या आपको पता है कि कैप्सूल के अलग अलग दो कलर क्यों होते हैं? जानने के लिए वीडियो के एंड तक देखते रहना, आई होप मजा आएगा। नंबर 7, कोई व्यक्ति या किसी चीज को विस्तृत रूप से जानने के लिए हम ज्यादातर विकिपीडिया की मदद लेते हैं। विकिपीडिया में हर चीज की विस्तृत रूप से बताया हुआ आर्टिकल रहता है। फैक्ट यह है कि विकिपीडिया में इतना सारा आर्टिकल लिखा रहता है, अगर आप हर आर्टिकल की सिर्फ टाइटल ही पढ़ोगे तो भी आपको 400 साल लग जाएगा, इतना सारा आर्टिकल लिखा हुआ है इस वेबसाइट पर। नंबर 6, क्या आपको पता है कि आप एक घंटे मजदूरी करने के बाद आपकी शरीर में से जितना एनर्जी खत्म होगा, अगर आप लगातार 15 मिनट सोचने, चिंता करने या तनाव में रहते हो तो भी आपको इतना ही एनर्जी लॉस्ट होगा। नंबर 5, क्या आपको पता है कि जापान में एक ऐसा टेलीफोन बूथ है जहाँ से आप मरे हुए इंसान से बात कर सकते हो? जापान इतना एडवांस होने के बाद भी इन जैसे चीजों को विश्वास भी करता है। उन लोगों का मानना है कि इस टेलीफोन बूथ से कोई मरा हुआ इंसान से बात भी किया जा सकता है। मुझे तो यह पता नहीं चल रहा है कि वो लोग फोन किसको लगाते हैं, लेकिन जो भी हो, जिन लोगों ने इस टेलीफोन बूथ को यूज किया है उन लोगों का कहना है कि उस टेलीफोन बूथ से कुछ आवाज सुनाई देता है। वाओ। नंबर 4, दोस्तों सऊदी अरेबिया के नाम सुनते ही आपके मन में रेगिस्तान और उसी ऊंट के बारे में ही ख्याल आया होगा, और ये काफी हद तक सही भी है। लेकिन क्या आपको पता है सऊदी अरब में जितने भी ऊंटे हैं ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया से मंगाया जाता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में ऊंट की मीट जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाता है, और इसलिए सऊदी अरब में ज्यादातर ऊंटे दूसरे देश से मांगना पड़ता है, क्योंकि सऊदी अरब में इतने सारे ऊंट प्रोडक्शन ही नहीं हो पाते, इसलिए दूसरी कंट्री से मांगना पड़ता है, और उनमें से मेन जो सोर्स है वो है ऑस्ट्रेलिया। नंबर 3, पूरे दुनिया में जितने लायन मौजूद है उससे 2 गुना तो लायन की स्टैचू मौजूद है, यानी कि रियल लायन उतने नहीं है जितने उनके स्टैचू मौजूद है। सोचिए उनके प्रजाति कितनी जल्दी खत्म हो रही है। नंबर 2, क्या आपको पता है कि आप जो सेवन अप कूल ड्रिंक पीते हो उसमें रहने वाला सेवन अप का मतलब क्या है? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक नाम है तो आप गलत हो। आप जो सेवन अप नाम सुनते हो उसको ऐसे ही नहीं रखा गया, उसके पीछे कुछ रीजन है। असल में सेवन अप का आविष्कार 1929 में चार्ल्स लिपर ग्रीक ने किया था, और उनके सेवन अप में रहने वाला सेवन का मतलब उन्होंने इस ड्रिंक को 7 चीजों से बनाया था, और इस ड्रिंक को किसी ग्लास में डालते ही उस ड्रिंक के बबल्स हमेशा ऊपर की तरफ उठ रहे होने के कारण अप रखा गया है, जिसको एक साथ मिलाकर 7 अप रखा गया है। नंबर 1, दोस्तों आपने देखा होगा कि जो कैप्सूल होते हैं वो हमेशा 2 कलर में ही क्यों आते हैं। दरअसल कैप्सूल की 2 पार्ट होते हैं, एक कंटेनर जिसमें दवा भरा जाता है, और दूसरा कैप जो कैप्सूल में ढक्कन जैसा काम करता है, यानी कि कंटेनर के अंदर भरा हुआ मेडिसिन गिर ना जाए, इसके लिए इस तरीके का कैप का यूज किया जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे तो फिर अलग अलग कलर ही क्यों, एक ही कलर रख लेते? इसके पीछे कुछ रीजन है। असल में जब डॉक्टर कैप्सूल के काम कर रहे होते हैं तब डॉक्टर कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन सा कंटेनर है और कौन सा कैप है, क्योंकि दोनों ही एक जैसा होता है, इसलिए एक कैप्सूल में अलग अलग 2 कलर दिया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।